बजाज 11 के कप्तान राजा चंद्रानी बॉलिंग का छोर संभालते हुए अपना पहला ओवर लेते हुए मैच की पहली बॉल राइट आर्म राउंड द विकेट। कट करना चाहते थे लेकिन बॉल बल्ले पर नहीं आई, सीधा कीपर के पास, कोई रन नहीं। घुमा के मारने चाहते थे आकाश, फिर बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया बॉल से। पहला रन वाइड से, तीन डॉट बॉल के बाद पहला रन वाइड से। आकाश कोशिश बहुत कर रहे हैं। अगली गेंद फिर डॉट, ऐसा लगता है आकाश मन बना के आए हैं कि सिर्फ मारना है, उठा के मारना है और तीन ओवर का पूरा मजा लेना है। और ये स्क्वायर कट कर दिया है, बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ, सिर्फ दो रन मिलेंगे। और ये घुमा के खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, चार रन और ये पार्ले चौका। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति पर एक ओवर सात रन। अगला ओवर वाधवानी एंड से करते हुए घनश्याम ग्वालानी। स्ट्राइक पर अमन चंदनानी। बॉल को पूरा सम्मान देते हुए अमन, कोई रन नहीं। लेग साइड की दिशा में बॉल वाइड करार दी गई, स्कोर बढ़कर आठ रन। ओवर पिच गेंद, खेलना चाहते थे अमन, बॉल पैर से टकराई है। वाधवानी एंड से घनश्याम, कोई रन नहीं। सरदार पटेल मैदान पर आयोजित
पूज्य लकड़गंज सिंधी पंचायत द्वारा सिंधु प्रीमियर लीग गौरी एक्वा प्लास्ट कप आज अंतिम दिन आज का पहला मैच बजाज इलेवन और सिंधु सुपर किंग के बीच में दूसरा ओवर चलता हुआ स्कोर बढ़कर 9 रन घुमा के खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद एक ही रन मिलेगा। दो ओवर की समाप्ति पर सिंधु सुपर किंग 10 रन बिना किसी नुकसान के। छाबरानी एंड से कप्तान राजा चंदनानी अपना दूसरा ओवर और मैच का तीसरा ओवर लेते हुए बैटिंग पर आकाश वाइड बॉल हवा में गेंद लेकिन सामने ही गिर गई घनश्याम ग्वालानी की 1 रन। फिर वाइट, ये एक समस्या है राजा जी के साथ। ऑफ द राउंड द विकेट डालते हैं क्रॉस बॉलिंग में वाइट चली जाती है उनकी। एक और वाइट, सिंगल में संतोष करना पड़ेगा। हवा में गेंद और उतनी अच्छी कैच, कॉटन बोल्ड हो गए आकाश। अच्छा खासा दौड़कर राजा ने कैच पकड़ा, आकाश कॉटन बोल्ड राजा। आठ रन के स्कोर पर आउट हुए, टीम का स्कोर 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन रितेश मोटवानी, बॉलिंग पर राजा, तीसरा ओवर। लॉन्ग ऑन पर खेल दिया अमन ने, फील्डर रोनित मौजूद 1 रन।
स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया लितेश ने, फील्डर मौजूद, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ते हुए 17 रन, एक विकेट के नुकसान पर, तीन ओवर की समाप्ति पर 17 रन एक विकेट पर। वाधवानी एंड से अपना दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेते हुए घनश्याम ग्वालानी। ओवर द विकेट, इस बार वो राउंड द विकेट कर रहे हैं। रितेश को लेग साइड में, रितेश को एक रन मिलेगा सिर्फ। स्कोर बढ़ते हुए 18 रन। दूसरी गेंद, वाइड बॉल, सिंगल रन अमन को, टीम का स्कोर बढ़ते हुए 19 रन, 20 रन। और ये रितेश करना कुछ चाहते थे, कर कुछ गए, और कैच सीधा संजू बजाज के हाथ में। सिंध सुपर किंग का दूसरा विकेट गिरता हुआ। संजू करो ना, रितेश मोटवानी कॉट संजू बजाज, बोल्ड घनश्याम ग्वालानी, 2 रन, टीम का स्कोर 20 रन। नए बैट्समैन धाकड़ बल्लेबाज रोशन कुकरेजा। वाधवानी एंड से घनश्याम, लॉन्ग ऑफ की दिशा में सिर्फ दिशा दे दी गेंद को, एक रन। घुमा के खेलना चाहते थे अमन, बॉल का बैट से संपर्क नहीं हो पाया, कोई रन नहीं। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद स्कोर 22 रन।
अगला ओवर छाबरा ने एंड से अगला ओवर लेते हुए अभिजीत चंदनानी, उनका पहला और टीम का पांचवा ओवर। राइट आर्म ओवर द विकेट, मीडियम पेसर है ये। सीधा स्टंप पर गेंद, बल्लेबाज ने सीधा उनको गेंद को दिशा दे दी संजू बजाज के पास। अगली गेंद शॉर्ट रन अप, कट करना चाहते थे चूके विशाल मोटवानी, अमन चंदनानी। बहुत याद आ रही है विशाल की। सिंगल सिंगल रन अमन चंदनानी को, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। घुमा के खेल दिया रोशन ने, गेंद सीधा राजा के पास, एक रन से संतोष करना पड़ेगा इन्हें। लॉन्ग ऑन में खेल दिया अमन ने, दूसरे रन के लिए कोशिश करना चाहते थे, उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा एक रन, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 25 रन। फिर से घुमा के खेल दिया, गेंद सीधा राजा के पास, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर 26 रन, दो विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स के बाद प्लेयर मैदान पर लौटते हुए, टीम का छठवां ओवर छाबरानी एंड से रौनित लेते हुए। क्षमा कीजिएगा,
वाधवानी एंड से टीम का छठवां ओवर लेते हुए राजा सामने उनका सामना करेंगे रोशन कुकरेजा। कवर की दिशा में खेल लिया, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। हेलो, किधर है अभी? और ये घुमा के खेल दिया है 6 रन के लिए, पार्ले मोनाको छक्का। काफी देर से अमन कोशिश कर रहे थे, अंततः उन्हें सफलता मिली ही। स्कोर बढ़कर 33 रन, 33-42। फिर से खेल दिया मिड विकेट के एरिया में, एक रन पूरा किया, स्कोर बढ़ते हुए 34 रन, छठवां ओवर 2 विकेट पर। एक रन रोशन कुकरेजा द्वारा छठवें ओवर की तीसरी गेंद पर। चौथी गेंद लेते हुए राजा चंदनानी सामना करेंगे अमन चंदनानी। बहुत अच्छा शॉट अमन चंदनानी द्वारा, परंतु सीधा फील्डर के पास, एक रन, स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। अंतिम बॉल अपने ओवर की डालते हुए घुमा के खेल दिया रोशन कुकरेजा ने, परंतु गैप नहीं निकाल पाए। उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुरा लिए। 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन। छावरानी एंड से टीम का 7वां ओवर देते हुए अभिजीत। पीछे खेलना चाहते थे,
बल्ले पर संपर्क नहीं हो पाया, कोई रन नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, ऐसा लगता है बैट्समैन थोड़े दबाव में आ गए हैं। घुमा के खेल दिया है सीधा फील्डर के पास और ये आउट। अमन चंद्रानी जो कि थोड़े सेट हो रहे थे, सीधा कैच दे दिया उन्होंने राजा के हाथ में, तीसरा विकेट खोते हुए। सिंध सुपर किंग 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन। विशाल मोटवानी क्रीज पर आते हुए। सात ओवर 46 रन 3 विकेट के नुकसान पे। लेग बाय
ओवर थ्रो, कोई रन नहीं मिलेगा ओवर थ्रो का। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, 48 रन। वाइट बॉल, कोई रन नहीं। स्कोर वही 150 रन, 8वां ओवर, 3 विकेट के नुकसान पर। और ये घुमा के खेल दिया रोशन ने, जिसके लिए माने जाते हैं। लॉन्ग ऑन पर सीधा छक्का, पार्ले मोनाको छक्का। फिर से वही रोशन अपने हाथ खोलते हुए, फिर से पार्ले मोनाको छक्का। वही गेंद, वही दिशा, वही जगह, वही छक्का। और ये एक और छक्का, लगातार तीसरा छक्का रोशन द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन। एक और छक्का, वही मिड विकेट के एरिया में रोशन द्वारा, लगातार चौथा छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन। आठ ओवर की समाप्ति पर 73 रन। केबल लगाया तूने? क्या बोले तो? चैनल क्या है तेरा? मेरा चैनल नंबर है 55। मेरा भी 55 है। 9वां ओवर लेते हुए अभिजीत छाबरानी एंड से, बल्लेबाज विशाल। और ये घुमा के खेल दिया है, और ये पार्ले मोनाको चौका। नो बॉल, फ्री हिट, 5 रन मिल गए इस गेंद पर।
स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। पिछले चार बॉल में 29 रन, पिछले चार गेंदों पर 29 रन आ चुके हैं। अगली गेंद अभिजीत द्वारा विशाल को, एक रन पे संतोष करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन, 79 for 3। इसको कंटिन्यू करो ना, एक ही जब से अटका हुआ है। घुमा के खेलना चाहते थे रोशन, बॉल थोड़ा सा बाहर निकल गई, बल्ले से कोई संपर्क नहीं हो पाया, कोई रन नहीं। अंतिम ओवरों का दबाव रोशन पर, कोशिश बहुत कर रहे हैं, बॉल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जोरदार शॉट लेकिन सीधा फील्डर के पास, एक रन। स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन। व्हाइट बॉल, राउंड ओवर करते हुए अभिजीत। फुल टॉस, अच्छे से बल्ले पर नहीं आई, विशाल घुमा के खेलना चाहते थे, कट लगा, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। बहुत अच्छी गेंद, बॉल को पूरा सम्मान देते हुए रोशन, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। 9 ओवर की समाप्ति पर सिंध सुपर किंग 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
हेलो चेक 1 2 चेक, आपका स्वागत करते हैं आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का, खिलाड़ियों का, आयोजकों का। गौरी एक्वाप्लास कप प्रेजेंट सिंधु प्रीमियर लीग सीजन 4 2022, इसके आयोजनकर्ता पूज्य लकड़गंज सिंधी पंचायत। इस आयोजन के अध्यक्ष हैं श्री महेश जी ग्वालानी, सेक्रेटरी श्री सुनील जी जग्यासी। और आज का जो पहला मुकाबला चल रहा है, बजाज विनर 11 वर्सेस सिंधी सुपर किंग्स, इनके बीच में बजाज 11 ने टॉस जीता और गेंदबाजी का निर्णय लिया और आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए सिंध सुपर किंग्स को। 9 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हो चुकी है 83 रन। दर्शकों में खासा उत्साह, आज का ये पहला मुकाबला। ऑस्टम के काफी बाहर, निश्चित तौर पर वाइट करार दी जाएगी, अतिरिक्त रन आता हुआ एम्पायर का इशारा वाइट। रोनित इस पारी का अंतिम ओवर लेकर वाधवानी एंड से सामना करेंगे रोशन। फुल टॉस बनाकर खेल दिया इसे लेग साइड की दिशा में, मोनेको सुपर सिक्स। काफी अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट करार दी जाएगी एम्पायर द्वारा, अतिरिक्त रन आता हुआ। रोशन व्यक्तिगत 46 रनों पर पहुंच चुके हैं, 18 गेंदों में 46 रन बना लिए रोशन ने, उम्दा बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। और लेग साइड की दिशा में खेल दिया है स्क्वायर लेग का फील्डर, जब तक फील्ड करे 2 रन तेजी से पूरे किए रोशन ने। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी अंडरस्टैंडिंग से बैटिंग करते हुए रोशन। व्यक्तिगत 48 रन पर पहुंच चुके हैं रोशन, और एक घुमा दिया है स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से, काफी बड़ा छक्का ये 119 मीटर का, रोशन के बल्ले से निकलता हुआ, मोनेको सुपर सिक्स। इसी के साथ रोशन के 50 रन पूरे होते हुए 20 गेंदों में 54 रन बना लिए रोशन ने, बाकड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए विस्फोटक पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए रोशन। बीस गेंदों में 54 रन बना लिए रोशन ने और स्कोर हो चला है 99 रन, केवल 1 रन की दरकार 100 रन के लिए सिंधी सुपर किंग्स को। काफी धाकड़ बल्लेबाजी, विस्फोटक पारी रोशन के बल्ले से निकलती हुई, रोनित अगली गेंद लेकर वाधवानी एंड से सामना करेंगे रोशन। आर फैक्टर आमने सामने, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट का, अतिरिक्त रन आता हुआ।
अंतिम ओवर चलता हुआ इस पारी का, सामने है रोशन, सामना करेंगे रोनित का, और उछा उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद गई विकेट कीपर के पीछे, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। सौ रन पर पहुंच चुका है स्कोर, इसी के साथ सौ रन पूरे होते हुए सिंध सुपर किंग्स के काफी उम्दा बल्लेबाजी रोशन द्वारा। और आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। अंतिम ओवर चलता हुआ, अंतिम क्षणों में ये मैच, और उठाकर खेल दिया है हवा में गेंद, और इसी के साथ मोनाको सुपर सिक्स के साथ ये पारी पूरी होती हुई, स्कोर हो चुका है 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी बजाज विनर 11 को 107 रन की दरकार है ये मुकाबला अगर जीतना है तो। आप देख रहे हैं गौरी एक्वा प्लास्ट कप प्रेजेंट सिंधु प्रीमियर लीग सीजन 4 2022, इसके आयोजनकर्ता पूज्य लकड़गंज सिंधी पंचायत, इस आयोजन के अध्यक्ष हैं श्री महेश जी ग्वालानी, सेक्रेटरी श्री सुनील जी जग्यासी। इस आयोजन को सफल बनाने में जिन गणमान्य लोगों का साथ रहा, कमेटी मेंबर्स महेश जी ग्वालानी, सुनील जी जग्यासी, मनोज भोजवानी, संजू बजाज, प्रवीण ग्वालानी, नीलेश डिंगरा, विशाल मोटवानी, अभिजीत चंदनानी, रोशन कुकरेजा, तरुण मिठाई, अमन गुरनानी, इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, इनके साथ के बिना ये आयोजन सफल नहीं हो पाता। इसी के साथ इस आयोजन में जिनका विशेष सहयोग रहा, ग्वालानी परिवार, जैसवानी परिवार, भोजवानी परिवार, पंजवानी परिवार, मैनानी परिवार, खट्टर परिवार, चंडी रमानी परिवार, श्री गुलशन जी मुनियार, कृष्णानी परिवार और मोटवानी परिवार, इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, इनके साथ के वजह से इस आयोजन को सफल बनाने में काफी सहायता हुई। आज का ये पहला मुकाबला चलता हुआ, बजाज विनर 11 वर्सेस सिंधी सुपर किंग्स, सिंधी सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 106 रन बना लिए और 107 रन का लक्ष्य है निर्धारित तौर में बजाज विनर 11 के सामने।
दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है जल्द से जल्द मैच शुरू करवाएं। क्या हो गया भाई साहब, सो रहे, जल्दी उठ के आए। रोशन ने अपनी पारी में 8 छक्के लगाए और 23 गेंद पर 60 रन बनाए और टीम का स्कोर हुआ है 106 रन निर्धारित ओवरों में, 107 रन का लक्ष्य सिंध सुपर किंग्स के सामने। बजाज 11 के सामने 107 रन का लक्ष्य है अगर ये मुकाबला जीतना है तो, 107 रन का लक्ष्य है। हल्के हाथों से खेल दिया अपने ही फॉलो थ्रू में गेंदबाज और अच्छी फील्डिंग। ऑफ स्टंप के बाहर निश्चित तौर पर वाइट करार दी जाएगी अतिरिक्त रन आता हुआ। जोरदार अपील लेकिन कोई प्रभाव नहीं एम्पायर के ऊपर। आकाश व्यक्तिगत पहला ओवर लेकर वाधवानी एंड से सामना करेंगे। पंकज और लेग साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, वहां पर डॉट गेंद आती हुई। बजाज विनर 11 के सामने 107 रन का लक्ष्य और स्क्वायर कट लगा दिया है। पॉइंट के बगल से निकल गई गेंद, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, पार ले गो सुपर फोर। हल्के हाथों से खेल दिया मिड ऑन का फील्डर, वहां पर तैनात, रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद के साथ समाप्ति होती इस ओवर की। एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 6 रन। दीपेश अगला ओवर लेकर छाबरानी एंड से। सामना करेंगे नितेश तोलानी, दीपेश ग्वालानी के हाथ में गेंद, बाएं हाथ के गेंदबाज। और लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, पैरों पर जाकर टकराई। डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती इस ओवर की।
दीपेश अगली गेंद लेकर लेग साइड की दिशा में खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, एक रन का इजाफा। दीपेश अगली गेंद लेकर अगली गेंद लेग साइड की दिशा में खेल दिया है इसे और गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, पार्ले गोल्ड सुपर चार। फिर से एक बार घुमाने का प्रयास, शरीफ पर जाकर टकराई डॉट गेंद आती हुई। उठाकर खेलने का प्रयास, कैच छिट गई विकेट कीपर के हाथों से, मौका बनाया था गेंदबाज ने। फिर से एक बार हटकर खेलना चाहते थे, शरीर पर जाकर टकराई डॉट गेंद के साथ समाप्ति होती हुई इस ओवर की। दो ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 11 रन। पिछले ओवर में दीपेश ने केवल 5 रन दिए, 5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की उन्होंने। नए गेंदबाज हैं रोहित डिंगड़ा वाधवानी एंड से। सामना करेंगे नितेश, लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइट का इशारा एम्पायर का, अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत होती हुई इस ओवर की। काफी कड़ा मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच, बजाज विनर 11 वर्सेस सिंध सुपर किंग्स। उठा दिया लेग साइड की दिशा में, मोनाको सुपर सिक्स।
उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। पार्ले गोल सुपर फोर। फील्ड में बदलाव करते हुए कप्तान फिर से एक बार उसी दिशा में खेल दिया है। उम्दा फील्डिंग वहां खड़े खिलाड़ी द्वारा निश्चित तौर पर रन बचाए अपनी टीम के लिए। रोहित अगली गेंद लेकर वाधवानी एंड से सामना करेंगे पंकज। पक्कू और हल्के हाथों से खेल दिया इसे पॉइंट की दिशा में तेजी से एक रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। सफलतापूर्वक एक रन पूरा किया। रोहित अपनी अगली गेंद लेकर वाधवानी एंड से सामना करेंगे नितेश तोलानी। नितेश व्यक्तिगत 12 रनों पर खेल रहे 6 गेंदों का सामना किया है। एक चौका और एक छक्का भी जड़ा है उन्होंने अपनी इस पारी में। 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नितेश। फिर से एक बार खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करे एक रन का इजाफा। पांच बॉल। रोहित इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर सामना करेंगे पक्कू। और स्टंप के काफी बाहर दिशाहीन गेंदबाजी निश्चित तौर पर वाइट करार दी जाएगी। अतिरिक्त रन आता हुआ लेग साइड की दिशा में खेलने का प्रयास ऑफ लेग साइड के काफी बार वाइट करार दी जाएगी। अतिरिक्त रन आता हुआ लगातार दूसरा वाइट फेंकते हुए गेंदबाज। तीसरा ओवर चल रहा है 27 रन हो चुके हैं बजाज विनर 11 के। और खेल दिया इसे कवर्स की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करे दूसरा रन लेने से मना किया पक्कू ने। एक रन के साथ समाप्ति होती इस ओवर की। तीन ओवर की
संपर्क नहीं डॉट गेंद आती हुई। फिर से एक बार खेलने का प्रयास लेग साइड की दिशा में शरीर पर जाकर टकराई डॉट गेंद आती हुई। फिर से एक बार छोड़ दिया वाइड चाहते थे बल्लेबाज लेकिन काफी अच्छी गेंद। वहां पर जोरदार अपील देखना है एम्पायर का क्या निर्णय होता है। उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम प्रेशर बनाते हुए बल्लेबाज के ऊपर सिंध सुपर किंग्स। और उठा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में और बाउंड्री लाइन के ठीक पास में काफी अच्छा कैच पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पर नितेश के रूप में। चार ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 30 रन एक विकेट के नुकसान पर बजाज विनर 11। हितेश व्यक्तिगत 13 रन पर आउट होकर पवेलियन में डगआउट में वापस। नए बल्लेबाज है अमन बजाज अगला ओवर लेकर आ रहे हैं गुलशन वंजानी सामना करेंगे अमन बजाज बात के बल्लेबाज। खेल दिया इसे कवर्स की दिशा में और आते ही दो रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। अमन ने दो रन चुरा लिए आते ही अपना खाता खोला। फिर से एक बार काफी अच्छा शॉट मिड ऑफ की डाउन के फील्डर द्वारा अच्छी फील्डिंग रन लेने का कोई मौका नहीं डॉट गेंद आती हुई। आज का यह पहला मुकाबला सिंधी सुपर किंग्स वर्सेस बजाज विनर 11। काफी अच्छी गेंद तेज तर्रार गेंद पेस में वेरिएशन लाते हुए चतुर चालाक गेंदबाज है गुलशन लगातार अपने पेस में अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव लाते गुलशन वंजानी सामना करेंगे अमन बजाज। लेग साइड के काफी बाहर निश्चित तौर पर वाइट करार दी जाएगी अतिरिक्त रन आता हुआ। फिर से एक बार लेग साइड की दिशा में घुमाना चाहते थे शरीर पर जाकर टकराई डॉट गेंद आती हुई। निर्धारित ओवर में 107 रन का लक्ष्य बजाज विनर 11 के सामने। फिर से एक बार दिशा से भटकते हुए वाइट का इशारा एम्पायर का अतिरिक्त रन आता हुआ।
काफ़ी अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, उतने ही अच्छे तरीके से खेल दिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन का इजाफा। गुलशन अपनी इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर सामना करेंगे पक्कू। फील्ड में बदलाव लाते हुए कप्तान और गेंदबाज, बाएं और दाएं हाथ की जोड़ी मैदान में, और फुल टॉस बनाकर खेल दिया इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में, मोनैको सुपर सिक्स। पांच ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 41 रन, एक विकेट के नुकसान पर। ऐसे ही बड़े बड़े शॉट लगाने की जरूरत बजाज विनर इलेवन को अगर इस मैच में बने रहना है। ड्रिंक्स ब्रेक कराए आयोजित कमेटी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है, ड्रिंक्स ब्रेक की व्यवस्था करें। इस ओवर के बाद में ड्रिंक्स ब्रेक कराया जाएगा, इस ओवर के बाद में कमेटी मेंबर्स कृपया ध्यान दें। अगला ओवर लेकर आकाश रूपचंद्रनानी सामना करेंगे अमन, बाएं हाथ के बल्लेबाज। आकाश अगला ओवर लेकर छाबरानी एंड से सामना करेंगे अमन बजाज। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, फील्डर तैनात। व्हाइट का इशारा एम्पायर का, अतिरिक्त रन आता हुआ। उठा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, मोनैको सुपर सिक्स। इसी तरह के बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे बजाज विनर इलेवन के बल्लेबाजों को अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। फिर से एक बार उसी दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करे, एक रन का इजाफा। फिर से एक बार खेलने का प्रयास लेग साइड की दिशा में, वहां पर फील्डर द्वारा हल्की सी मिसफील्ड, नतीजा एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आयरिश कम कर आयरिश।
आकाश फिर से एक बार गेंदबाजी एंड पर, छाबरानी एंड से। उठा दिया है हवा में गेंद और काफी खूबसूरत कैच गुलशन द्वारा। इसी के साथ अमन की पारी का अंत होता हुआ दूसरा झटका लगता हुआ बजाज विनर इलेवन को। व्यक्तिगत 10 रन पर आउट होकर पवेलियन में वापस जाते हुए अमन 7 गेंदों का सामना किया। नए बल्लेबाज है राजा चंदनानी, 7 निभाने आए पक्कू हुंडलानी का। आकाश अगली गेंद लेकर, आकाश ने पिछली गेंद पर सफलता दिलाई अपनी टीम को। आगे बढ़कर फुल टॉस बनाकर खेल दिया लेग साइड की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करे। 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। आकाश अपनी अगली गेंद लेकर छाबरानी एंड से, सामना करेंगे राजा। फुल टॉस बनाकर खेल दिया ले स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से मोनाको सुपर सिक्स। छह ओवर की समाप्ति पर
गुलशन के हाथों में गेंद। गुलशन वाधवानी एंड से सामना करेंगे पक्कू जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी पिच पर मौजूद। काफी नीची रही गेंद, घुमाने का प्रयास था, डॉट गेंद आती हुई। आए हुए सभी दर्शकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं SPL सीजन 4। आज का पहला मुकाबला चलता हुआ बजाज 11 वर्सेस सिंधु सुपर किंग्स, इनके बीच में गुलशन अपनी अगली गेंद लेकर वाधवानी एंड से सामना करेंगे पक्कू और फुल टॉस बनाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है। वहां पर खड़े खिलाड़ी द्वारा काफी अच्छा कैच। अमन ने काफी अच्छा कैच पकड़ लिया बाउंड्री लाइन के ठीक पास में। पक्कू ने व्यक्तिगत 19 रन पर आउट होकर डगआउट में वापस। अमन ने काफी खूबसूरत कैच लपक लिया बाउंड्री लाइन के ठीक पास में। नए बल्लेबाज है यश आहूजा, सामना करेंगे गुलशन का। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया, डॉट गेंद आती हुई। उठा दिया है हवा में गेंद, मोनाको सुपर सिक्स। आते ही छक्का जड़िया यश ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। स्क्वायर कट लगा दिया वहां पर कड़े फील्डर द्वारा, मिसफील्ड। नतीजा गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, पार्ले गोल सुपर चार। ओवर की समाप्ति होती हुई। सात ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सात ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। सात ओवर की समाप्ति पर 68 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 18 गेंदों में 39 रन की दरकार, 39 रन इज रिक्वायर्ड विद इन 18 बॉल्स।
आकाश अगला ओवर लेकर छाबरानी एंड से उठाकर खेल दिया है इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑन और कवर्स के बीच में एक रन का इजाफा। यश और राजा के रूप में अभी भी धाकड़ बल्लेबाज मौजूद, काफी विस्फोटक पारी खेलते हैं राजा और यश, उसका नमूना हम देख चुके हैं इस मैच में। राजा काफी अनुभव उनको इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करने का, और जिसका मैं जिक्र कर रहा था आते ही उठाकर खेल दिया मोनाको सुपर सिक्स। बल्लेबाजों को बिल्कुल, गेंदबाजों को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दे रहे राजा। दो गेंदों पर 12 रन जड़ चुके हैं राजा चंदनानी, बिल्कुल लाइन और लेंथ बिगाड़ कर रखी है उन्होंने गेंदबाजों की। हर मैच दर मैच वो अपने बल्ले का हुनर दिखाते जा रहे हैं और काफी अनुभव उन्हें इस प्रतियोगिता में खेलने का, पिछले वर्षों में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की है राजा ने, उसी का नमूना फिर से एक बार पेश करते हुए राजा फिर से एक बार घुमाने का प्रयास। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया, डॉट गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद ठीक से सही। आकाश अगली गेंद लेकर फिर से एक बार घुमाने का प्रयास, राजा चंदनानी सामना करेंगे आकाश रूप चंदनानी का। फिर से एक बार खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करे थ्रो करे, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक फील्डर फील करे, एक रन का इजाफा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती, 8 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 77 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 8 ओवर स्कोर इज 77 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 30 रन चाहिए अभी 12 गेंदों में अगर ये मुकाबला जीतना है बजाज विनर 11 को, क्योंकि क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बल्लेबाज कोई भी खिलाड़ी अपने उम्दा प्रदर्शन से अपनी टीम को जीत की ओर ले जा सकता है। 12 गेंदों पर 30 रन। हेलो 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 भाई 11 और एलाइट 11, भाई 11 और स्टार 11 दोनों के कैप्टन कहाँ हैं? हेलो हेलो एक मिनट, फील्डर चेंज है, अंपायर को बताया है ना कैप्टन ने? ओके ओके आगे बढ़कर खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करे, एक रन का इजाफा। गुलशन अपना व्यक्तिगत तीसरा और टीम की ओर से 9वां ओवर लेकर
11 गेंदों पर 29 रन की दरकार और स्ट्राइक पर आ चुके हैं राजा। विस्फोटक पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं राजा। रनअप में कुछ दिक्कत आती हुई गेंदबाज को। गुलशन वंजानी अगली गेंद लेकर वाधवानी एंड से सामना करेंगे राजा। और उठा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, 121 मीटर का यह छक्का मोनाको सुपर सिक्स। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, गेंद गई पॉइंट की दिशा में, एक रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। गुलशन अपनी अगली गेंद लेकर वाधवानी एंड से सामना करेंगे यश। और वहां पर हल्की सी मिसफील्ड वैभव द्वारा, नतीजा अच्छा कवर किया पीछे खिले खड़े खिलाड़ी ने। एक रन का इजाफा। उठाकर खेल दिया है मोनाको सुपर सिक्स। भाई इलेवन के कैप्टन कहाँ हैं? फिर से एक बार ऊंचा खेल दिया है, 121 मीटर का यह छक्का मोनाको सुपर सिक्स। करण गोलानी 9 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 98 after 9 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 6 गेंदों पर 9 रन की दरकार अगर ये मुकाबला जीतना है तो। बजाज विनर 11 को काफी करीब ला लिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले को। विस्फोटक पारी खेलते हुए राजा और यश प्राप्त करते हुए अपने टीम के लिए। राजा व्यक्तिगत 32 रन पर और यश व्यक्तिगत 15 रन पर खेल रहे हैं। यश ने 8 गेंदों पर 15 रन बना लिए, राजा ने 9 गेंदों पर 32 रन बना लिए। अंतिम ओवर लेकर रोशन सामना करेंगे यश। और क्लीन बोल्ड होकर यू मिस आइट के तर्ज पर यश का विकेट प्राप्त किया रोशन ने।
नए बल्लेबाज है रोनित, सामना करेंगे रोशन की गेंद का। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट का इशारा एम्पायर का, अतिरिक्त रन आता हुआ। पांच गेंदे 8 रन, काफी करीब आता हुआ ये मुकाबला। दोनों ही टीमें कड़ी टक्कर देते हुए एक दूसरे को। उठा दिया है आते ही साथ मोनैको सुपर सिक्स। तू तोला तोला तो मैं माशा माशा। आते ही है पहले गेंद पर छक्का जड़ दिया रोनित कालरा ने। इसी के साथ 4 गेंदों पर केवल 2 रन की दरकार ये मुकाबला जीतने के लिए बजाज विनर 11 को। 4 गेंदे 2 रन। काफी तेज तर्रार स्ट्रोक वाकड़े फील्डर द्वारा, हल्की सी मिसफील्ड, नतीजा 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 3 गेंदों पर 1 रन की दरकार, 3 गेंदे 1 रन। और गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में कुछ गुफ्तगू होती है, एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानते हैं, काफी टूर्नामेंट में साथ में खेल चुके हैं, तो उसी का मुजाहरा करते हुए दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज टीम के खिलाड़ी आपसी। और घुमा दिया लेग साइड की दिशा में, और इसी के साथ यह मुकाबला जीत लिया है बजाज विनर 11 ने। वी कॉन्ग्रेचुलेट बजाज विनर 11 फॉर विनिंग दिस मैच, एज स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ द टीम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट।